Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you English. आज बच्चों English में मैं आपको एक नया letter लिखना सिखाऊंगी. देखिए ये आपकी notebook है. इसमें ये क्या बना हुआ है? ये है umbrella. Umbrella means छाता, जो हम बरसात में लेकर चलते हैं. जब बरसात होती है तब अम्ब्रेला लेकर जाते हो गीला होने से बचने के लिए, और गर्मियों में हम धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. तो ये है अम्ब्रेला. तो ये लेटर है यू. यू फॉर अम्ब्रेला. देखिए ये आपके इंग्लिश की बुक है बच्चों. अल्फाबेट फॉर किड्स. देखिए ये यू. यू फॉर अम्ब्रेला. देखो ये अम्ब्रेला बना हुआ है, तो यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला. तो चलिए आज हम यू बनाना सीखते हैं. देखो यू बनाना बहुत ही इजी है. ये इस तरह से बना हुआ है. तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाई हुई है. रेड लाइन से हम शुरू करेंगे. ये ब्लू लाइन तक हम पहले इस तरह से नीचे लाएंगे, इसको ऐसे गोल करते हुए फिर ऊपर रेड लाइन तक लेकर जाएंगे. तो ये बन गया यू. यू फॉर अम्ब्रेला. देखिए तो इसी तरह से हमें ये मैंने डॉट्स बना रखी हैं. यहाँ पर हमें यू बनाना है. देखो ये बना हुआ है. रेड लाइन से शुरू करेंगे. ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक आप नीचे आइए, और गोल करते हुए इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे. रेड लाइन पर ही रोकना है. ये बन गया यू. यू फॉर अम्ब्रेला. ये नीचे से ऐसे गोल करना है. देखिए नीचे लेकर आओ, फिर गोल करते हुए ऊपर. ये बन गया यू. यू फॉर अम्ब्रेला. फिर से देखिए ये डॉट से शुरू करेंगे, नीचे लेकर आएंगे ब्लू लाइन तक, फिर गोल करते हुए ऊपर. ये बन गया यू. यू फॉर अम्ब्रेला. देखो नीचे लाते हुए गोल करना है ऊपर. ये बन गया यू. यू फॉर अम्ब्रेला. देखो नीचे लाएंगे फिर गोल करते हुए ऊपर. यू. यू फॉर अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. अब देखिए नीचे हमें क्या करना है. इस तरह से आप यू बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. सर्कल द लेटर यू. ये क्या बना हुआ है? विच लेटर इज दिस? यू. तो हमें यू पहचानना है और उसे सर्कल करना है. तो देखिए इस लाइन में यू कहाँ लिखा हुआ है? इसकी तरह ये है. तो इसे हम सर्कल कर देते हैं. ये है यू. यू फॉर अम्ब्रेला. अब देखिए इस लाइन में यू कहाँ पर है? देखो ये है यू. तो इसे हम सर्कल कर देंगे इस तरह से. देखिए और अब इस लाइन में देखिए ऐसा यू कहाँ बना हुआ है? ओ ये है यू. तो इसे हम सर्कल कर देते हैं. और तो नहीं है. अब ये भी नहीं है. ये है यू. तो इसे हम सर्कल कर देते हैं. इस तरह से हमने यू को सर्कल कर दिया. तो आज आपने क्या सीखा? यू बनाना सीखा और यू को पहचान कर सर्कल करना सीखा. तो इस तरह से आप ए टू यू तक लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.